बेटा आज का जो अब टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ गौर से देखेंगे अपन ये कैसे आते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे आती है ना, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको किसी और क्लास में, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर किस एंगल की कितने कितनी वैल्यू है पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, वो चीज़ आप समझ लो यहाँ पर, वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसके लिए अपन एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। पहले तो तुम मेरा मेथड समझना, ठीक है? ठीक है, मैंने ये मेथड कैसे बनाया वो समझना। ठीक है, फिर इन वैल्यूज को मैंने साफ सुथरा करके आपके टेबल में डालूंगा। तो देखो किस किस एंगल की वैल्यू निकाली जाएगी, जीरो की निकाली जाएगी, 30 की निकाली जाएगी, 45 की निकाली जाएगी, फिर बेटा 60 की निकाली जाएगी और फाइनली 90 की निकाली जाएगी। फिर कहे साइन में निकाल के दो, किसकी, साइन जीरो की वैल्यू निकाल के दो। तो मैंने तुम्हें तरीका है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तरीका है याद करने का, याद कराने का। तो सबसे पहले क्या करो ना, आप यहाँ गिनती लिखो 0, 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करो, सबको 4 से डिवाइड करते चलो। लास्ट नंबर 4 आया था ना 0 से, सबको क्या करो 4 से डिवाइड करते चलो। फिर क्या करो, सबको रूट में रख दो, फिर सबको रूट में रख दो। तो रूट 0/4 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसको भी रूट में रख दो, इसको भी रूट में रख दो, इसको भी रूट में रख दो, इसको भी रूट में रख दो। ठीक है, तो रूट 1/4, देखो रूट 1 का 1 और 4 का 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर ये साइन 45 की वैल्यू, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू। तो देखो बेटा रूट 2 किसी का तो होता नहीं है, तो रूट 2 ही रहेगा। और अब 4 जो है, अच्छा देखो अंदर ही अंदर ही इसको डिवाइड भी कर लो, काट लो सिंपलीफाइड फॉर्म में, तो 1/2। तो देखो 1/2 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 किस में चला जाएगा, रूट में। फिर रूट 3/4, रूट 3/4 किसका होता है, 2 का, 4/4 कट जाएगा तो 1 1। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस 30 की समझो, कॉस की वैल्यू ना जैसे साइन में लिखी है ना, उसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। ऐसे करना ना, ऐसे करके इधर से लिख दो, तो cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 होगी, इसकी 1/√2 होगी, इसकी 1/2 और इसकी 0। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, याद करने का तरीका। तो कुल मिलाकर अगर sin की वैल्यू याद है ना, sin 0 से sin 90 तक की वैल्यू याद है, cos में उल्टा कर देना, पीछे वाली वैल्यू सबसे आगे नंबर पे आ जाएगी। फिर tan की वैल्यू देखो, इसकी tan की, तो हमें पता है tan क्या होता है, sin अपॉन cos, tan क्या होता है, sin अपॉन cos। तो sin 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, sin 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, और cos 0 की 1, तो 0/1, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर अब मुझे निकालना है tan 30 की, तो tan 30 बोले तो sin 30/cos 30, 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3। अब tan 45, तो tan 45 देखो ऊपर sin 45 अपॉन में cos 45, 1/√2, 1/√2 कैंसिल होके 1। फिर tan 60, तो tan 60 की बोले तो बेटा क्या होगा, sin 60/cos 60, तो साइन 60 था बेटा √3/2 और कॉस 60 था 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3। ठीक है, कितना, रूट
और फिर कोई पूछता है 1090 की, तो देखो 1/0 क्योंकि साइन 90 की 1 है और कॉस 90 की 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड. क्या है? नॉट डिफाइंड. अब जब तुम कॉसेक की निकालोगे ना तो रेसिप्रोकल करके देना है, तो कॉसेक 0 की, कॉसेक 0 की इसकी वैल्यू बेटा, कॉसेक 0 की वैल्यू जो है, ठीक है, 1/0 रेसिप्रोकल में आएगा ना. तो देखो साइन 0 की कितनी है, 0. साइन 0 की कितनी है, 0. 0/1 लिखे तो भी 0 ही आएगा ना. लेकिन कॉसेक 0 की कितनी हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल 1/0. नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. फिर आपका कॉसेक 30 का वैल्यू, कॉसेक साइन 30 के रेसिप्रोकल, तो साइन 30 का 1/2 है, तो उसका 2/1 यानी 2. फिर 45 की वैल्यू, कॉसेक 45 की वैल्यू रूट 2. फिर ऐसे ही कॉसेक 60 की 2y√3, और ये 0. देखो साइन 90 की वैल्यू 1 थी, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा. ऐसे ही sec, cos का उल्टा सब रखना, cos का उल्टा तो 1/1 यानी 1 ही आएगी. ठीक है, फिर sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू 2/√3. क्या तुम्हें तरीका बताया मैंने, cosec का उल्टा ऐसे रख दो, ऐसे ये रूट टू, ये टू, ये वाली नॉट डिफाइंड. ठीक है, अब बात आती है बेटा cot की. इसकी बात आती है cot, तो cot 10 का रेसिप्रोकल होता है. अभी 10 0 की वैल्यू थी 0/1 थी ना, 0/1, तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 0, 1/0. नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू आपको याद रखनी है. फिर cot 30 की वैल्यू रूट 3, फिर ये बनी रहेगी. फिर देखो cot 6, tan 60 कितना था, रूट 3, ये 1/√3 हो जाएगा. फिर tan 90 कितना था, tan 90 नॉट डिफाइंड, 1/0 था, ये 0/1 यानी 0 हो जाएगा. रेसिप्रोकल करना, ठीक है, पहले दूसरे को पहला का उल्टा लिखा, तीसरे को. तो ये फाइनली मैंने एक टेबल आपके लिए प्रिपेयर कर दिया, ये टेबल आप याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो जिस ट्रिक से मैंने ऊपर समझाया आप उस ट्रिक से भी देख लीजिए, पर याद करना बेस्ट है क्योंकि आपकी ट्रिक पेपरों में लगा लगा कर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी देखो इस टेबल पे, इस टेबल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बात तो ये आती है कि इस टेबल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं. तो एज ऑफ नाउ मुझे पता है कि आपको इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, याद नहीं होंगी, पर बेटा पेपरों से पहले आप सभी अपना याद करके ही जाना, ठीक है, इस ट्रिक के भरोसे. तो इस ट्रिक के भरोसे मत रहना आप, कोई भी बच्चा जो है इस ट्रिक के भरोसे स्कूल में ना जाए कि हम इस ट्रिक से कर लेंगे, याद कर रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, तो अब हम सीधे एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और वो राइट एंगल है बी पे. बनाओ ए बी सी डायग्राम बनाना कंपलसरी है जब बोल दे कि एक ट्राइंगल है. अगर tan is equal to 3/4 लिख रहा है और कुछ नहीं लिख रहा है तो मत बनाओ, लेकिन जब बोल दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पे, तो बनाना पड़ेगा बी. अब तुम्हें क्या बोला है, ए बी जो है वो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए सी बी ये मेरा 30 डिग्री है. ये मेरा कितना है 30 डिग्री. तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स. देखो ए सी दिया है मुझे 5, नहीं ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर. अब उससे कह रहा है ए सी निकालो और बी सी निकालो, ए सी और बी सी निकालने को बोल दिया. तो जरा ना चीजें गौर से समझना आप लोग, ठीक है, मैं क्या कहने वाला हूँ यहाँ पे कि देखो यहाँ साइड कितनी दी है 1, और ये एंगल वो एंगल है, ये tan 30 दिया है ना. एंगल सी की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री. एंगल सी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 30 डिग्री. तो गौर से समझो बच्चों, यहाँ पे एक एंगल दिया है और ये एंगल वही है जो हमारे टेबल में जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती है उसकी, और एक साइड दिया. तो जब आपको एक एंगल
एंगल उस टेबल में से जो मैंने जस्ट अभी बना के दिया था वो और एक साइड की वैल्यू दी हो, तो अब आपको उस टेबल का ही सहारा लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्योंकि दूसरी साइड के बारे में और तीसरी साइड के बारे में जरा सी भी हिंट नहीं दी है। तो देखो बच्चों, आपको मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पे कौन सा एंगल दिया, सी। कौन सा एंगल दिया बच्चों, सी। तो हमें पता है गिवन एंगल, जो भी एंगल दिया होता है उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा उस हिसाब से। तो देखो एक बार मुझे निकालना है बेटा परपेंडिकुलर निकला हुआ है, एक बार मुझे बेस निकालना है और एक बार मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। और दिया क्या है मुझे, परपेंडिकुलर दिया। मुझे क्या दिया है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो देखो गौर से समझो, आपके पास साइन होता है, आपके पास कॉस, टैन, डिफरेंट रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी फिलहाल आपको परपेंडिकुलर दिया होगा, क्या दिया है, परपेंडिकुलर। और मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनियस की, ठीक है। तो जब मेरे पास परपेंडिकुलर, जो भी आपको चीज गिवन है ना, मेरे मेथड से तुम्हें ये कहता हूँ, जो भी चीज गिवन दी है ना, जैसे परपेंडिकुलर गिवन है, उसको ऊपर रख लो, उसको ऊपर रख लो पी, और जो पूछा है उसको क्या करो, नीचे रख लो, ठीक है। मैं यहाँ साइड में ट्रिक लिख देता हूँ, जो भी गिवन है साइड उसको ऊपर रख लो और आस्क्ड साइड को नीचे रख लो और उस हिसाब से देखो कि P by H बनता है, क्या बन रहा है, P by H। और P by H का मतलब होता है बेटा साइन, कौन सा होता है, साइन। और हमें साइन के साथ कितना एंगल दिया, 30 डिग्री। कौन सा एंगल दिया, 30 डिग्री। तो मुझे साइन 30 निकालना है, क्या निकालना है, साइन 30। तो देखो भैया अब P की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, 5। और हाइपोटेनियस मुझे जो कि मेरी साइड AC है, हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, AC नहीं पता। और साइन 30 की वैल्यू बच्चों, तो फिलहाल आप लोग टेबल यूज कर सकते हैं। देखो साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 है, कितनी है, 1/2। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मुझे याद है, ठीक है। तो 1/2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 2 = 1 × AC, तो AC की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 cm। तो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री का जादू, एक साइड से दूसरी साइड निकल गई। अभी देखो, अब और गौर से देखो, अब तुम्हें क्या दिया, देखो फिर से P दिया हुआ है, तुम्हें B निकालना है, क्या निकालना है, P दिया है, B निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया ना, गिवन साइड को मेरे हिसाब से ऊपर रख लिया P, और निकालना क्या है, बेस। और P by B क्या होता है बेटा, 10। क्या होता है, 10। और यहाँ पे किस एंगल की बात कर रहा है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। 10 कितने एंगल पे निकालना है, 30 डिग्री पे, 10 30 निकालना है। तो P बच्चों हमारा कितना है, 5, और जो B है वो BC है। 10 30 की वैल्यू जो है बच्चों 1/√3 होती है, क्योंकि 1/√3। तो अब आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 × √3 = BC, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5√3 cm। देखो आप क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट थ्री की वैल्यू पुट करने को नहीं बोली, उन्होंने गिवन नहीं दिया, तो आप 5√3 cm पे ही अपना आंसर छोड़ोगे। देखो एक ट्राइंगल है PQR और राइट एंगल है QP। तो देखो बच्चों मेरे QP राइट एंगल है, जहां मन करे वहां P और R बना लो। फिर क्या कह रहा है कि PQ जो है वो 3 cm है, ये हमारा 3 cm है, और PR जो है बेटा वो PR ये हमारा 6 cm है। तो अब आपको क्या करना है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, गिवन क्या है, गिवन देखो बच्चों, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना, समझो बस। गिवन क्या है, गिवन हमें बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, कि PQ जो है वो 3 cm है, PQ कितना है, 3 cm, और PR जो है, PR वो कितना दिया है, 6 cm। निकालना मुझे एंगल P की वैल्यू है, टू फाइंड, और एंगल R की वैल्यू, और R की वैल्यू है। तो देखो मुझे अगर R की वैल्यू निकालनी हो बच्चों, किसकी, R की, ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, R की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी हो, तो देखो R के अपोजिट जो भी साइड है वो मेरी परपेंडिकुलर का काम करेगी,
ये मेरा बेस और ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो देखो मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, अब यहाँ तो दोनों साइड एक ही बन, तो हम क्या करते हैं देखो सिंपल फाई करने के लिए परपेंडिकुलर को आर, जैसे मुझे देखो आर निकालना, पता नहीं आर कौन सा साइन है कॉस है टैन है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखो एक परपेंडिकुलर दिया है और एक हाइपोटेन्यूज दिया है, यही दिया ना, ठीक है। तो यहाँ देखो पी बाई एच, देखो ना आर के अपोजिट में अगर आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो पहले मैंने आर रख लिया, आर के अपोजिट वाला साइड पी क्यू मुझे दिया हुआ है और एक हाइपोटेनियस पी आर वो भी दिया, और पी वाई एच हमारा साइन बन जाता है, क्या बन जाता है साइन। तो साइन आर इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू मेरी 6 है, 1/2। साइन आर इज इक्वल टू बेटा 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे। तो यहाँ ऐसे ही रहने देना, देखो साइन आर तो साइन आर ही रहेगा बस 1/2, तुम्हें तो 1/2 के बारे में पता ना, तुम्हें 1/2 के बारे में क्या पता रही सर, ये तो 30 डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 की नहीं साइन 30 की वैल्यू, साइन से साइन मन में कैंसिल करना, काटना नहीं, साइन से साइन पेपर में मत काटना, सीधे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 30 डिग्री, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हारी बात आती है बच्चों किसकी, तो अब तुम्हारी बात आ रही है बेटा इसकी पी की। तो देखो जब पी को तुम कंसीडर करोगे ना बच्चों, किसको पी को, किसको जब तुम पी को कंसीडर करोगे तो पी के अपोजिट साइड यहां बना दो, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं पी लेके चल रहा हूं तो पी के अपोजिट साइड ये वाला, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, पहले तो मैंने यहाँ इसको ये मार्क किया था ना, आर मार्क किया था, पी हटा देता हूँ, पी मेरा मार्क नहीं था, तो इस आर के हिसाब से हमारे पास ये हमारा पी होता था, ये हमारा एच और ये हमारा पी होता था, लेकिन जब हम एंगल पी को मार्क कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये बेटा मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू किसकी दी है, बेस की दी है, इस बार मुझे बेस की वैल्यू दी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है, ठीक है। तो देखो भैया मुझे P निकालना है और मेरे पास बेस है और मेरे पास हाइपोटेन्यूज का रेशियो B बाई एच है, ठीक है, और B बाई एच जो है बेटा वो कॉस होता है, क्या होता है कॉस, तो कॉस P इक्वल टू B बाई एच, तो कॉस P इज इक्वल टू, अब मेरा बेस कितना है बच्चों 3 और हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना है मेरा 6, तो कॉस P इज इक्वल टू 1/2, और कॉस के टेबल में जाओ और ये देखो कि cos में 1/2 कब आता है, तो cos में 1/2 cos 60 पे आता है, 60 पे नहीं cos 60 पे, तो cos से cos मन में गायब कर दो, तो जो तुम्हारा एंगल P है वो 60 डिग्री आ जाएगा और एंगल R जो है 30, देखो R और P को प्लस करो 90 डिग्री, आप आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो एग्जांपल 8 में क्या दिया है, कह रहा sin a माइनस b जो है ना बच्चों वो 1/2 दिया है और cos a plus b जो है बच्चों वो भी 1/2 दिया है, और साथ ही साथ क्या दिया है वो भी समझो, ये वाली चीज को पढ़ना सीखो आप लोग, कह रहा है कि जो एंगल a है वो 0 से तो बड़ा है, एंगल a जो है वो 0 से बड़ा है, a plus b 0 से बड़ा है मगर 90 से छोटा या 90 के बराबर होगा, मतलब a और b जो है जोड़कर 90 या 90 से कम आएंगे, ठीक है 90 या 90 से कम आएंगे, 90 से ज्यादा नहीं आ सकते, मतलब ना तो a और b दोनों को प्लस करने पे 90 से ऊपर नहीं आने वाला, यानी कुल मिलाकर a और b की वैल्यू जोड़ोगे तो या तो 90 बननी चाहिए या 90 से कम, चलो खैर वो भी जो भी है। अब तुम यहां देखो पहला केस क्या दिया, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 यही दिया है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो, अब ये साइन में दिया है साइन ए माइनस बी 1/2 दिया, तो साइन में जाओ साइन वाली टेबल में और ढूंढो साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में 1/2 साइन 30 पे आता है, कब आता है साइन 30 पे। अब साइन से साइन मन में गायब कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या दिया, अगला दिया cos a plus b equal to 1/2,
फिर से लिख लो cos a plus b is equal to cos में 1 by 2 कब आता है तो बेटा cos 60 को cos में 1 by 2 कब आता है cos 60 पे cos से cos मन में गायब कर दो तो a plus b is equal to 60 degree। अब तुम्हें ये नहीं लग रहा linear equation in two variable type ना वही तो है ये तो equation 2 में से 1 minus तो a plus b is equal to 60 degree और a minus b is equal to बेटा 30 degree प्लस था तो माइनस प्लस माइनस ये गया कैंसिल 2b is equal to 30 degree तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 degree b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 15 degree। अब putting b is equal to 15 in equation 1 में रख दो ठीक है तो a minus 15 is equal to 30 degree तो a की वैल्यू 30 प्लस 15 तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 45 डिग्री। अब तुम सोच रहे हो मुझे पता है कुछ सोच रहे हो लेट मी फिनिश इट ठीक है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप सोचोगे बाद में ठीक है जब ये क्वेश्चन कॉपी पे उतार रहे होगे तब आप सोच रहे होगे क्या करा दिया यार ए और बी एक 45 एक 15 है एक 45 है तो अगर हम सी को 90 भी मान लें सी को 90 भी मान लें तो ये फिर दो तीनों को प्लस करके ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है ठीक है इसे उस एस्पेक्ट से मत देखो तुम लोग इससे ट्रायंगल मत बनाओ अभी ठीक है इसे अभी तुम इस हिसाब से देखो उसने बोला ना कि देखो तुम्हारी कंफ्यूजन मिटाने के लिए ही उसने ये लाइन लिखी है ठीक है कि कल घर जाके बाद में या पेपर देने के बाद तुम चकराओ ना तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारा ए और बी का जो भी वैल्यू आएगा उसे प्लस करके 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए तो देखो 15 प्लस 45 60 आ रहा है 90 से ज्यादा है क्या नहीं है फिर कह रहा 90 के इक्वल आ सकता है 90 के इक्वल आ सकता है 90 के इक्वल भी नहीं आ रहा ठीक है दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है 90 के इक्वल देखो नहीं आ रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 90 से छोटा तो आ रहा है ये बोला ना देखो क्या बोल रहा है ए और बी की वैल्यू 90 से छोटी आनी चाहिए प्लस करके ए प्लस बी इज लेस देन इसको क्या पढ़ते हैं मैं यही लिख देता हूँ कि ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री तो देखो इक्वल तो नहीं आ रहा 90 से पर ए और बी को जोड़कर लेस तो आ रहा है ना 90 से बस आंख बंद करो श्योर हो जाओ आपका यही आंसर है ठीक है अब इससे आप ट्राइंगल के वो तीन एंगल का एएसपी लगाने की कोशिश मत करना बच्चों इज दैट क्लियर तो अभी पीछे क्वेश्चन में अक्षित ने अमृत ने हमसे डाउट भी पूछा था कि सर वो इस ट्राइंगल में जैसे कि एक क्यू 90 दिया है आर हमने 30 निकाल दिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पी 60 निकाल देंगे वहाँ उसने आपको ट्राइंगल बोला है बच्चों वहाँ उसने आपको ट्राइंगल बोला है ठीक है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एग्जाम्पल 8 पढ़ोगे आप तो कहीं पे भी बोला है कि ए बी एक ट्राइंगल के एंगल है नहीं बोला है ना तो फिर ट्राइंगल मत सोचो ना ठीक है।